So okay, finally let's start. Good morning, Mrs. is already. So good morning. It's almost to be afternoon. आज तो last class लगा दिया, वैसे तो generally first ही लगाते हैं, है ना? आज last लगाए, तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके बाद तो weekend ही weekend है, या शायद आज English class है तो I don't know. Maybe it's there. चलो, good morning to Darya. Messages from Darya. दिव्यम, खुशी, रोहन, कार्तिक, आर्यन says good late morning. That's also right. It's not morning, but late morning now. It's not early morning, at least to say the least. चलो तो like we were discussing about wave optics related phenomena. We had discussed about we had started to discuss about polarization. ठीक है ना? तो polarization के और भी situations हैं. हम लोग का सिलेबस में दो ही एक है, एक जो हमने बताया था मैलस लॉ और एक उसको हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है ना? तो लेट्स नाउ टॉक अबाउट इंटरफेरेंस अ लिटिल बिट. एक आध क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, एंड देन वी विल गो बैक टू पोलराइजेशन व्हिच इज दैट ब्रूस्टर्स लॉ एज आई सेड. तो मैं एक आध एग्जांपल दे रहा हूं. वेरियल इज आस्क्ड कि क्या चैप्टर खत्म हो जाएगा. वेल लगभग पूरा होना हो, बट लगभग खत्म हो जाएगा. ठीक है, मदन गुड मॉर्निंग. चलो तो लाइक लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन ये है कि सपोज एक YDSC का सेटअप है, एंड एज यूजुअल ये 3 मीटर है. लाइट आ रहा है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रहा है, लाइक पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर कमिंग लाइक दिस. एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री, ठीक है? तो 1 डिग्री एंगल पे रेज आ रहा है, फाइन. And let's say this is equal to 0.1 millimeter, 0.1 millimeter. ठीक है ना? तो that's the question given. Rohan has asked कि Rohan has asked about optical instruments. Actually, see Rohan, you know, as far as optical instruments are concerned, as per the latest syllabus, वो है नहीं. बट मैं फिर भी एक बार इसको रिव्यू करूंगा, इन केस अगर होगा तो मे बी वी विल डू इट वन गो समथिंग, ठीक है ना? दिव्या मजास की स्कूल कब से खुल रहा है, एनी आइडिया? एंड शिवम सेज गुड मॉर्निंग. वेल देखो, स्कूल खुलने का जो आइडिया है वो तुम्हारे पास भी जितना आइडिया है वो मेरे पास भी उतना ही आइडिया है, बिकॉज नाइदर ऑफ अस हैव रियली एनी कॉन्क्रीट आइडिया. इसका डायरेक्टिव ऊपर से आएगा, लेकिन इतना तो है कि सितंबर में तो नहीं खुल रहा. दिस इज व्हाट वी कम टू नो द लेटेस्ट. सितंबर में किसी को हिम्मत नहीं हो रहा है, बिकॉज़ द केसेस आर स्टिल ऑन द राइज. देखो, मुझे नहीं लगता है कि जब तक नंबर ऑफ केसेस, लेट्स डिफाइन अ क्वांटिटी व्हिच इज डेली बेसिस पे, लेट्स डिफाइन अ क्वांटिटी, नंबर ऑफ न्यू केसेस माइनस नंबर ऑफ क्या बोलेंगे, मतलब जो दोज़ आर गेटिंग वेल, अभी जो ठीक हो रहे, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्योर्ड केसेस, है ना? जब तक ये पॉजिटिव होगा तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि यू नो अथॉरिटीज को हिम्मत होगा स्कूल खोलने का. बट अभी अगर मैं देखता हूं तो ये अभी आज के जैसे 68 या कुछ ऐसे थाउजेंड है, और ये हो गया ऑलमोस्ट 62,000. तो 5-6 हजार पे आके टिका है. तो मे बी अच्छा, एक पर्टिकुलर दिन में तो ये 58 था और शायद ये 59 था, ऐसे कुछ था. अभी 3-4 दिन पहले था. तो देयरफॉर अभी ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इवेनर. तो लाइक मे बी व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज दैट सितंबर 1st to 2nd वीक के बीच में ये जो क्यू है ये शायद नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद ही नंबर ऑफ केसेस गिरना शुरू हो, एंड दैट टू इट हैज टू लाइक सस्टेन. जैसे एक दिन तो ऐसे हो गया था, ये 58 था और ये 59 था, बट दैट वाज ओनली फॉर 1 डे. तो वो तो एक दिन के लिए था, उसके बाद तो देखो फिर से आज 68 है, तो ये 60 है, 62 है आई थिंक. तो देयरफॉर इट इज स्टिल पॉजिटिव.
पॉजिटिव मतलब क्लाइंबिंग, तो आई डोंट थिंक कि क्लाइंबिंग स्टेज में किसी को हिम्मत होगा स्कूल खोलने का एटलीस्ट, क्योंकि अभी यूएस में स्कूल खोला था तो लाइक दे क्विकली लैंडेड अप विद 90,000 केसेस विद इन फ्यू डेज, बच्चों के 90,000 केसेस हो गए यूएस में, तो आई डोंट थिंक दे विल बी प्रॉपर दिस दिन में. सत्यम से दो तीन दिन से तो ऑलमोस्ट 70,000 रोज, दैट्स बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है. जय गोयल से इसकी जल्दी खुल जाना चाहिए, आई रियली डोंट वॉन्ट टू डू ऑनलाइन क्लासेस, फील नहीं आती है टॉपिक की उतनी जितना फिजिकल क्लासेस में आती है. ओके जय, आई विल टू एन एक्सटेंट एग्री विद दैट, टू एन एक्सटेंट आई विल एग्री विद दैट, यस ऑफ कोर्स दैट्स राइट, बट क्या करें, दैट्स द सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव. चलो खैर, लेट्स डू द क्वेश्चन. ये जो लैम्डा है इसका है 5,000 एंगस्ट्रॉम. द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज इस लाइन के ऊपर B1 का लोकेशन बता. तो फाइंड लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट, फाइंड लोकेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट अबव सेंट्रल लाइन. ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट अबव द सेंट्रल लाइन. दिव्यम से इसकी, इसके मतलब फेयरवेल तो रिस्क पे आ गया. अक्षित से इसकी जय के लिए बैड न्यूज, अपना स्कूल तो बस खत्म. चलो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू लेग पुल, आई मीन कुछ तो लेग पुलिंग का ही कोशिश किया था शायद. सत्यम से इज द अनफॉर्चुनेट फैक्ट इज दैट दिस आवर लास्ट ईयर इन आवर स्कूल एंड 2020 एंड इसी साल सब कुछ गड़बड़ होना था. वेल दिस आर ऑल एक्सपीरियंसेस, यू कांट रियली डू मच. हाँ, तो फर्स्ट फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्राइट अबव द सेंट्रल लाइन. ओ अच्छा सॉरी, मैं तो स्मॉल डी दिया, क्या चाहते थे, दिस इज 0.1 मिलीमीटर. ठीक है ना, तो जो स्मॉल डी है दैट इज 0.1 मिलीमीटर, कैपिटल डी इज लाइक 3 मीटर, और इस बार ना इंफिनिटी से डेज आ रहे हैं. ठीक है, पैरेलल आ रहा है और एट एन एंगल ऑफ 1 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस या सेंट्रल लाइन कह लो. So, what is the location of the first bride above the central line? That's the question. Everybody has his or her opinion here. So, Divyam says ki hum to farewell or teachers day miss kar rahe. As if to say ki children's day miss nahi kar rahe. Dhruv has almost given up, it seems. मतलब बस ये चैप्टर और कितना बचा है. वैसे इस चैप्टर कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब क्वेश्चन तो देखो मेनली YDSA से आता है, मैंने पहले ही बोला. मतलब 10 साल का पेपर उठा लो तो मल्टीपल टाइम खैर अब तो बहुत सारे पेपर्स होने लगे, बट मतलब अगर उठाओगे तो 80-90% क्वेश्चंस विल बी ऑन YDSA है ना. चलो लेट्स स्टार्ट. अभी ज्यादा नहीं बचे, आज या नेक्स्ट क्लास तक पूरा खत्म हो जाएगा वो. ठीक है ना, तो लाइक व्हाट विल वी डू इज दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो S1 और S2 है, अब मैं इनको कोहरेंट तो खैर मान सकता हूं लेकिन सेम फेज वाला कोहरेंट नहीं होगा. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर मैं इस पैरेलल रेस का वेव फ्रंट बनाता हूं तो वेव फ्रंट बनेगा कुछ कुछ ऐसे. दिस विल बी द वेव फ्रंट, this will be the wavefront. तो यहां जाते जाते ये wavefront हो जाए. इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि अगर ऊपर वाला ray मैं देखता हूं तो extra path cover कर रहा है. यानी सबसे पहले ये बताओ कि central bright fringe ऊपर shift होगा up या नीचे shift होगा down, ये जल्दी बताओ. सबसे पहले ये बताओ, इस question में सबसे पहले ये बताओ कि central bright fringe ऊपर shift होगा या नीचे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ऊपर शिफ्ट होगा या नीचे, दैट्स अ क्वेश्चन. ओके, शिवम सेज कि अप हो जाएगा, ध्रुव ने भी अप ही बोला है. ठीक है, और कोई, चलो
up is the right answer. That's because अगर मैं देखता हूँ तो S1 has an extra path. तो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ तो ये एक लाइन होगा और एक ये लाइन होगा. तो सेंट्रल राइट फ्रिंज का मतलब क्या होता है, जहां पे पाथ डिफरेंस जीरो. तो ऊपर वाला पाथ छोटा है, नीचे वाला पाथ बड़ा है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पाथ होगा. वो एक्स्ट्रा पाथ अगर इसके बराबर हो जाए तो वहीं पे सेंट्रल राइट फ्रिंज होगा, फिर दैट केस में पाथ डिफरेंस जीरो आ जाएगा. यानी तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ कि इसके वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ होता है दैट इज वाई सी इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी. तो वाई सी इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी इज द एक्स्ट्रा पाथ ऑफ दिस वन, है ना. तो इस वाले रे का एक्स्ट्रा पाथ है ये, इस वाले का एक्स्ट्रा है वाई सी इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल. वो अगर इससे कंपेंसेट हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा. तो इससे कंपेंसेट होने का मतलब क्या हुआ, है ना, कि ये हो जाए अगर ये अगर मान लो थीटा है तो ऑब्वियसली फिर ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा ही होगा. और ये अगर डी है तो अप्रोक्सीमेटली आई कैन राइट इट एज डी साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू साइन थीटा. अगर इसको थीटा लेते हो, ये थीटा है, ठीक है, तो इंटू साइन थीटा. But sin theta is approximately theta, which is approximately theta into d. So d to cancel ho gaya. Yani y central ho jayega capital D into theta. That is the part. So into theta, and that is d mat ho gaya 3 meter, or theta ho gaya 1 degree. Hai na? So 1 degree ka matlab ho gaya pi by 180. और अगर मिलीमीटर में चाहते हो तो इंटू 1000 कर लो मिलीमीटर के लिए. सो द सेंट्रल राइट फ्रिंज विल शिफ्ट टू वेयर, नाउ दैट्स द क्वेश्चन, है ना. तो मैं वही कैलकुलेट करना चाहता हूं. थ्री इंटू वाई बाय ठीक है. और हमें फ्रिंज विड्थ भी निकालना है क्योंकि फ्रिंज विड्थ उतने नीचे आ जाएंगे. यहाँ पे फ्रिंज विड्थ के हिसाब से वो ब्राइट बनता जाएगा, फ्रिंज विड्थ का कैलकुलेशन होगा. तो कितने आएंगे, है ना, तो वो डिपेंड करेगा फ्रिंज विड्थ के ऊपर. तो फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट कर लिया जाए. फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी योगे मिलीमीटर में. तो इज इक्वल टू 10 तो ये तो 0.1 मतलब बेसिकली 1/10, है ना. तो या मतलब 1/2 तो 10 ऊपर गया, सॉरी 10 तो पर माइनस, तो 10 तो माइनस 4 और 3 और 3, तो ये पूरा ही खत्म हो गया, ये पूरा खत्म हो गया, ये और ये और ये पूरा खत्म हो गया. इज इक्वल टू 15 मिलीमीटर. यानी यहां से क्या होगा ना, तीन फ्रिंजेस आ जाएंगे यहां से, क्योंकि ये 53 आया, 52.3 आया, तो 15 मिलीमीटर का, तो एक फ्रिंज 15 पे आ जाएगा, एक 30 पे आ जाएगा, एक 45 पे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा लोकेशन ऑफ द फर्स्ट ब्रेड. तो देयरफॉर YP1 इज इक्वल टू 52.3 माइनस 15 इंटू 3, ये तीन फ्रिंजेस पूरे आ जाएंगे. 45, 7.3, that's equal to 7.3 millimeter. Now that is the answer.
यानी फर्स्ट ब्राइड कहां पे आ गया 7.3 मिलियन दैट्स इट ठीक है द आंसर इज ओवर द क्वेश्चन इज ओवर रादर नाउ यू कैन हैव अ लुक तो पहले हमने शिफ्ट निकाला तो शिफ्ट के लिए हमने क्या किया नहीं इसका जो एक्स्ट्रा पाथ है उसको इसके एक्स्ट्रा पाथ के वजह से इसे वो किया इक्वेट किया दैट विल गिव मी द लोकेशन ऑफ द सेंट्रल फिर फ्रिंज वेट निकाला और उतने फ्रिंजेस माइनस कर दिया जितना हो सके एंड वी गेट द लोकेशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज बस इसका आंसर किसी ने दिया नहीं है आई डोंट नो अटेम्प्ट नहीं करने के कारण या नहीं होने के कारण आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड इफ देयर वाज सम प्रॉब्लम हियर ठीक है किसी ने आंसर दिया नोबडी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है मतलब है तो यही सब आईडीएससी पे ऐसे अलग नहीं है बट थोड़ा देखने में अलग है इन द सेंस कि सपोज हमने क्या किया हमने एक सोर्स लिया सिंगल स्लिट रखा सिंगल स्लिट यहां पे एक रखा और यहां पे एक रखा ये 2 मीटर और ये 4 मीटर ठीक है तो ये हो गया एक सोर्स मतलब यहाँ पे सोर्स है तो यही एक सोर्स हो गया ये पूरा कार्डबोर्ड है यहां पे एक स्लिट बनाना एक सिंगल स्लिट बनाना तो क्वेश्चन इज फाइंड वाई फॉर डार्क फ्रिंज ठीक है ये जो सोर्स है इसका लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम गुड डार्क फ्रिंज एट ओ लिखा है डार्क फ्रिंज दैट्स राइट शिवम पूछ रहे हो ना कि भाई क्या निकालना है तो डार्क फ्रिंज एट ओ के लिए कंडीशन पूछा दैट्स द थिंग ये इक्वल भी दे सकता था 2-2 होता तो और आसान हो जाता बट एक 2 दिया और एक 4 दिया लेट मी स्टार्ट सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल इन्वॉल्व स्मॉल वैल्यूज ऑफ वाई ऑब्वियसली है ना तो ये जो वैल्यूज ऑफ वाई होंगे ये सारे स्मॉल ही लेना पड़ेगा ठीक है ना तो ये 2 हो गया और ये वाई है तो एक वेव तो यहां से जाएगा और फिर वो यहां से जाएगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा ना ये वाला प्लस ये वाला यानी अगर ये L1 होता है प्लस L2 है ना तो 2 प्लस 4 6 तो यानी पाथ डिफरेंस
इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू माइनस सिक्स. ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इन मीटर्स. तो एल वन क्या होगा, टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ प्लस फोर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर हाफ माइनस सिक्स. तो हो जाएगा टू स्क्वायर तो रूट के बाहर आ सकता है, तो टू इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई फोर टू द पावर हाफ प्लस फोर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई सिक्सटीन टू द पावर हाफ माइनस सिक्स. एंड दैट शुड बी इक्वल टू डार्क. डार्क के लिए क्या होगा, लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू है ना, करते करते एन माइनस हाफ लैम्डा. ये वैल्यू एन माइनस हाफ लैम्डा. तो मैं काम करता हूं इसको सिंप्लीफाई करता हूं है ना. तो लाइक दिस शुड बी इक्वल टू एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा दे रखा 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर्स. So that's the case. I mean, minus 6 is equal to n minus half into 6 into 10 to the power minus 7 meter. Okay? That's the case. So, yani ye ho gaya this. Ab ye kya ho jayega? Na ye ho jayega 2 into 1 plus y square by 8. Kyun? Kyunki half into y square by 4 aayega. So, 1 plus x to the power hai. फिर वो बाइनोमियल थ्योरम लगा के है ना, लाइक अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम ही आ गया प्लस फोर इंटू वन प्लस वाई स्क्वायर बाई 32 माइनस सिक्स इज इक्वल टू एन माइनस हाफ इंटू सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस 7. वैसे 10 टू माइनस 7 मीटर जो लिख रहा हूं उसको मिलीमीटर कर लो तो 10 माइनस 4 होगा मिलीमीटर. नहीं वो मत करो कि इधर मीटर है, ठीक है. तो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 माइनस 6 ये खत्म हो गया. तो 2 वाई स्क्वायर बाई 8 4 वाई स्क्वायर बाई 32 तो 2 वाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 4 और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 8 है ना, यानी 3 वाई स्क्वायर बाई 8 should be equal to this n minus half into एक काम करें उसको 16 into 10 to the power 8 कर लो into 60 into 10 to the power minus 8 then y is equal to 8 by 3 to 8 to the 160 so n minus half into 160 into 10 to the power minus 8 क्या करो. ऐसे क्यों आया, नहीं 160 क्यों आएगा, 6 है ना, सॉरी 8 बाय 3 160 का तो 4 इंटू 4 16 इंटू रूट 10 तो यानी 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू एन माइनस हाफ अंडर रूट ऑफ एन माइनस हाफ इनटू 160 सो लाइक टू दस एंगल माइनस दस इनटू रूट 10 तो मिलीमीटर में चाहोगे तो 0.4 तो यानी वाई का वैल्यू फाइनली क्या आ रहा है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 0.4 है ना इनटू एन माइनस हाफ इनटू 10 इनटू अंडर रूट ऑफ n minus half into 10. ठीक है ना, that's it. तो 0.4 into this, ये मिलीमीटर में आ रहा है. अब ना ये डिपेंड करेगा कि अगर देर आर वन टू क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दैट अप. उसके पहले देखो अभी डिपेंड करेगी कि तुम कौन सा वाला चाहते हो. तो अगर चाहते हो फर्स्ट डार्क काइंड ऑफ मतलब
अलग अलग वैल्यूज आएंगे, 5 आ सकता है, 15 आ सकता है, 25 आ सकता है, 10 से मल्टीप्लाई भी होगा, तो 25, 35, तो यहाँ पे एक लिख देता हूँ वैल्यूज, हाँ यहीं पे लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। एक्चुअली मैंने एक फिगर में क्या गलती किया कि एक मुझे यहाँ पे लिख देना था, मैं भूल गया, ठीक है ना, वो रोहन के क्वेश्चन देख के मुझे याद आ गया, ठीक है ना। चलो एनीवे, तो लाइक ये मिलीमीटर में आ गया, तो अब क्या होगा, तो y इज इक्वल टू 0.4 इंटू इंटू 5, 15, 25, 35 एक्सेट्रा, तो ये y की वैल्यूज हो सकते इन मिलीमीटर। ठीक है, सत्यम एंड रोहन हैज आस्क्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। वो मेरे से गलती क्या हुआ कि मैंने ये डायग्राम बनाने में थोड़ा गलती किया, यहाँ पे एक होल दिखाना था, मैं भूल गया, ठीक है, एग्री। वो एक्चुअली पता क्या है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, एक रे तो सीधा आ रहा है, वो तभी तो मैंने -6 किया था, वो जो सीधा वाला वो 6 हो गया, तो वो ये वाला 6, और एक रे थोड़ा यहां से होके आ रहा है, तो वो थोड़ा लंबा पाथ, तो विच इज दिस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू डार्क के लिए एन माइनस हाफ इंटू लैम्डा, तो वो हमने डिस्कस किया था आइडिया, और वही क्वेश्चन था एक्चुअली, वो गलती से मैंने ये बनाना भूल गया, तो लाइक दैट्स हाउ इट गॉट यूज्ड था। तो एनीवे, तो ये आंसर आ गया, इसको सिंपलीफाई करके मतलब आंसर आ गया 0.4 इंटू अब अंडर रूट ऑफ 5, 15, 25, 35, इस तरीके से सोल्यूशन में आएगा, ठीक है ना। Yes, Rohan, you have now pointed out correctly. I mean, I hope now you've got the things. समझ में आ गया ना कैसे करना है? ठीक है, एक बार चेक कर लो, कुछ पूछना है तो बताओ। ऐसे क्वेश्चन और भी आता है, दैट इज इसी तरह क्वेश्चन और भी होता है, दैट इज सपोज दो स्लिट्स तो है, लेकिन लेकिन कुछ डिस्टेंस दूर, जैसे मान लो ये, अगर मान लो 1 मिलीमीटर और ये दिया हुआ है, ये भी 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा इसको नीचे रखा गया सोर्स को, एंड दैट इज ये जो डिस्टेंस दिया है ना, यहाँ पे सोर्स नहीं, ये सेंट्रल लाइन है, ये सेंट्रल लाइन है लेकिन सोर्स थोड़ा सा नीचे है, और उसके बाद ये वाला कुछ, ये सपोज हो गया 3 मीटर, और ये जो दिया हुआ ये है 0.004 मिलीमीटर, ठीक है, ये 1 मिलीमीटर, इसका डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, और ये दिया हुआ है 0.004 मिलीमीटर, यानी सोर्स को हमने क्या किया, एकदम सेंटर पे नहीं रखा, जैसे मान लो मिडिल लाइन से 1 मिलीमीटर दूर रखो सोर्स पर, और फिर 0.004 मिलीमीटर नीचे कर, दैट इज व्हाट हैज बीन डन इन दिस केस, ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट, एंड नाउ जो है नाउ फाइंड आउट द सेंट्रल पॉइंट फ्रिंज, इनफैक्ट सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज निकलेगा तो यू कैन ऑल्सो गेट द ब्राइट फ्रिंज आउट हियर, तो मे बी गेट द डार्क वन आउट, तो फाइंड डी वन, फाइंड डी वन यानी फर्स्ट डार्क, फाइंड द फर्स्ट डार्क बिलो द सेंट्रल लाइन, ठीक है, जल्दी करो,
इसके बाद हम लोग एक छोटा सा थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे और उसके बाद वापस पोलराइजेशन पे आएंगे। अब बताता हूँ क्या डिस्कस करना है, पहले इसको फटाफट निपटाओ, जल्दी करो। अच्छा लैम्डा तो दिया ही नहीं, लैम्डा 4000 एंगस्ट्रॉम और स्लिट से लेकर स्क्रीन का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर्स ये वाला। तो लेट मी आल्सो नाउ स्टार्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम। मैंने तो ये वाला डायग्राम अगर मैं थोड़ा बड़ा करके देखूं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करके देखूं, इन दैट केस कुछ ऐसे होगा। तो बेसिकली क्या ना, यहाँ पे थोड़ा वाई नीचे आ गया तो ये एक्स्ट्रा पाथ हो गया, ये थोड़ा कम हो गया, तो ये क्या हो गया ना, अगर ये एच है मान लो तो ये हो जाएगा एच प्लस वाई। और ये देखो ये 1 मिलीमीटर और ये भी 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो वो अगर एच है तो ये 2H है बेसिकली, ये 2H है। क्यों? ये देखो ना, ये 1 मिलीमीटर होता है हाफ मिलीमीटर, ये हाफ मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, तो यानी कि H होता तो ये 2H है। मैं H की जगह ना, मैं H की जगह एंड में बिल्कुल लास्ट में क्या करूंगा ना, हाफ मिलीमीटर पुट कर दूंगा, दैट आई कैन डू एट द एंड आल्सो, उससे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में डिफरेंस है क्या है ना, एच स्क्वायर प्लस एच प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर का अंडर, ठीक है ना। और ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा फिर एच माइनस वाई, तो एच माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 2H स्क्वायर, तो ये हो गया एल वन और ये एल टू, यानी यही पे एक पाथ डिफरेंस है। तो अगर ये L1 लिखता हूं लेट्स से और ये अगर L2 होता है, तो यानी बिफोर द लाइट्स हैव एंटर्ड द सोर्सेस, इस तरफ ही कुछ पाथ डिफरेंस है। तो देयरफॉर पाथ डिफरेंस ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, L1 माइनस L2। अब इसमें अगर मैं H स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यानी H बेसिकली यानी क्या हो जाएगा, देखो जब हम ये हो गया 5, है ना, 5 भी कॉमन ले लो इनफैक्ट रूट के अंदर, या एच रूट 5 कॉमन ले लो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि दोनों में देखो 5H² आ रहा है, 4H² प्लस एच स्क्वायर, 4H + H², तो 5H² कॉमन ले लिया तो रूट 5H बाहर आ रहा है, तो क्या आ गया 1 प्लस 2HY/5, तो 1 प्लस 2HY/5 का टू द पावर 2, सॉरी टू द पावर हाफ, 1 प्लस 2HY/5 टू द पावर हाफ, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2HY/5, क्योंकि वो जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है, जो वाई स्क्वायर वाला टर्म है वो तो मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ, वाई इज टू स्मॉल, तो वाई स्क्वायर हटा दो, यानी हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2HY/5 का टू द पावर हाफ, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वल टू एच रूट 5 इंटू, अब ये तो 1 प्लस हाफ इंटू दिस और ये 1 माइनस, तो वो सब कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ वाला भी कैंसिल हो जाएगा, तो यानी बचेगा 2HY/5, ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो यानी पाथ डिफरेंस हो गया 2H²Y/√5, तो यानी 2H²Y/√5,
ये हो गया इसके और इसके पास डिफरेंस, ये मैं एल वन लिख रहा हूँ, ये एल टू है, तो दैट्स व्हाट एल वन माइनस एल टू इज। ठीक है, हैव अ लुक, देख लो अच्छे से, यानी टू एच स्क्वायर वाई बाय रूट फाइव, देख लो ये आ गया, और ये आ रहा है ना टू एच स्क्वायर वाई बाय रूट फाइव। हाँ, और क्या हो रहा है ना, वो चीज यहां पे बैलेंस होनी चाहिए, तो ये अगर वाई सी होता है तो दैट शुड बी इक्वल टू वाई सी इंटू स्मॉल टी बाय कैपिटल डी। तो बाय द वे स्मॉल डी है क्या, स्मॉल डी आई हैव टेकन व्हाट, टू एच है ना, तो मैं इसको टू एच लिख देता हूं बस, तो एच ये हो गया, एच ये कैंसिल हो गया है ना, यानी वाई सी हो जाएगा इक्वल टू 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 तो कैंसिल हो रहा है, एक बजा ना मेरे कैलकुलेशन चेक कर लेना, डी वाई इंटू एच बाई रूट फाइव, एक बार मेरा कैलकुलेशन चेक कर लो। सत्यम से इसकी टू वाई बाई एच नहीं होना चाहिए, टू वाई बाई एच अरे हाँ सही बात, इसमें गलती हुआ, एक ये हो जाएगा टू वाई बाई एच हो जाएगा फाइव एच, ये भी टू वाई बाई फाइव एच होगा, क्योंकि हमने तो एच स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो कॉमन आ गया बाहर, तो थोड़ा चेंज हो गया, ये हो जाएगा टू वाई बाई फाइव एच, यानी फाइव एच नीचे आ जाएगा, ये एच और एच कैंसिल हो गया, तो यानी टू बाई फाइव टू वाई बाई रूट फाइव आ रहा, ये गलती हुआ यहाँ पे कुछ, ये ठीक कर रहा हूं मैं, तो टू वाई बाई रूट फाइव, ठीक है ना, टू वाई बाई रूट फाइव आ गया, और ये वाई सी आ गया, तो वाई सी आ गया बेसिकली टू वाई टी है ना, अब टू टू तो चलो क्या कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा डी वाई बाई रूट फाइव, दैट्स इट, ये वाई सी आ गया, और एक टर्म भी तो आएगा समथिंग इज रॉन्ग, एच रूट फाइव तो है ही है सर, एच एच भी तो कैंसिल कैंसिल नहीं हुआ, सर वो वाला एच जो वाई सी के साथ है, हाँ एच वाला जो है ना कैंसिल नहीं हुआ, ठीक, तो यानी आ जाएगा डी ये बाई एच आ जाएगा है ना, दैट्स इट, ठीक है चलो, यानी डी इनटू वाई बाई रूट फाइव एच, तो यानी ये हो जाएगा सेंट्रल राइट फ्रिंज का लोकेशन, अब देख लो अच्छे से, फाइन, ये बच्चे कर लो। ने शायद कुछ मिस्टेक पॉइंट आउट किया या क्या कुछ, या ठीक हो गया, तो ये वाईसी अब ठीक हो गया ना, बीच में कुछ करेक्शन के चक्कर में सारा इधर उधर चला गया माइंड, आई होप द वाईसी इज ओके, आई मीन और नॉट, एच मिस हो गया, अब तो एच आ गया ना, अब तो एच आ गया, चलो ठीक है, हाँ अब सही है, यानी ये हो जाएगा वाईसी, अब yc तो वैल्यू आ गया d के जगह 3 मीटर, y स्मॉल y हो गया तुम्हारा जो है, नहीं स्मॉल y है 0.004 है ना, रूट फाइव तो रूट फाइव है, h h h हो गया तुम्हारा जो हाफ मिलीमीटर, हमने इसको 2h लिया, सॉरी इसको 2h लिया है ना, तो h हो जाएगा हाफ मिलीमीटर है ना, तो h के जगह याद रखना हाफ मिलीमीटर पॉइंट आउट करना, मतलब इंस्टेड ऑफ 1 मिलीमीटर है, तो 0.5 इंटू द माइनस 3, डी हो गया 3 मीटर, वाई हो गया जो है तुम्हारा 0.004 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, आई थिंक वी हैव गॉट द सेंट्रल राइट फ्रिंज नाउ है ना, अब फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लैम्डा डी बाई डी होगा है ना, तो दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट फ्रिंज विड्थ, अप्रोक्सीमेट कर ही लेंगे, इतना टाइम नहीं है, फिर आने दो, छोड़ो, अच्छा भाई देखिए ये मीटर में है, तो यानी इनटू फिट 10 टू द पावर 3 भी कर लो, टू गेट इन मिलीमीटर समथिंग, तो एक बार वो लोकेशन आ गया, अब फ्रिंज विड्थ को कट आउट कर लो, तो देन यू नो यू विल बी एबल टू लोकेट द फर्स्ट डार्क, एक काम करते हैं थोड़ा सा जो है ना इसको फटाफट निकाल ही देते हैं, कैन समबडी वॉलंटियर लिटिल बिट टू फाइंड आउट दिस वैल्यू इन मिलीमीटर, इसका मिलीमीटर में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो जरा, कोई जन करो, मे बी समबडी हैज डन इट ऑलरेडी, इट सीम्स कि मनन हैज डन इट,
let's assume that value, no problem, and that is 10.7 millimeter, it seems. देखो जरा देख लो, फिर कोई और चेक करना चाहते हो तो 10.7 approximately obviously root root है, तो 10.7 millimeter. वैसे ये जो आइडिया मैंने डिस्कस किया, रवि सर आए थे इसलिए मैंने रेज किया, अब वो अलग बात है कि तुम लोगों के लिए तो वैलिड नहीं है, बट देन आई हैव अ जनरल सजेशन जो मैंने ईयर ऑन ईयर एक्सपीरियंस से देखा इज दैट कि यहाँ से आके ना चीजें थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है. डिस्टर्ब इसलिए होता है क्योंकि जनरली हम लोग का सिलेबस अराउंड सेप्टेम्बर मिड 20th तक खत्म हो जाता है, और बाकी जगह जनरली आराम से अक्टूबर एंड तक या कई जगह तो नवंबर के मिड में खत्म करते हैं. तो ऑब्वियसली क्या होता है ना कि उसका टाइम ज्यादा लगता है, तो यानी वो ज्यादा कंफर्टेबल लगता है. क्यों भाई, नंबर ऑफ चैप्टर्स सॉरी नंबर ऑफ डेज पर चैप्टर अगर ज्यादा हो तो एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल. लेकिन उसका एक फ्लिप साइड क्या होता है कि अभी जिस तरीके से एकेडमिक्स चल रहा है राइट नाउ, वो और पोस्ट अक्टूबर एंड यानी नवंबर ऑनवर्ड्स या चलो नवंबर मिड ऑनवर्ड्स का जो एकेडमिक्स चलेगा उसमें बहुत अंतर है. और बिलीव मी, नवंबर मिड से लेके एग्जाम्स तक यानी अप्रैल मई तक बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और रिवीजन तो भूल जाओ, बिल्कुल नहीं हो पाता. इसलिए जनरली व्हाट आई सजेस्ट इज दैट कि देखो 19-20 चलता रहेगा, बट एक सजेशन मेरी स्ट्रांगली ये रहता है इज दैट लेट्स से जैसे मैं अभी वाला ऑलमोस्ट वेव ऑप्टिक्स हो गया, इसके बाद तो हल्के चैप्टर से कोई दिक्कत नहीं, तो वेव ऑप्टिक्स हो गया. अब अगर एक राउंड वेव ऑप्टिक्स अभी कर लो, बेशक 100% ना करो, सिर्फ HCV और एक सोर्स का 50-40-30-60 जितना परसेंटेज कर सकते हो कर लो, तो एक राउंड हो जाता है लगभग. उसके बाद जब मान लो फिटजी में होगा, नारायण में होगा, विद्या मंदिर में होगा, जहां पे भी होगा, अगर मान लो ऐसे होता है, अगर एक ही जगह फॉलो करो तब तो कोई अलग बात हो गया, देन डू इट 100% प्रॉपरली, तो फिर वो क्या होता है ना, उसका रिविजन हो जाता है, कॉन्सोलिडेशन हो जाता है. नाउ दैट इज अ गेन फैक्टर, उससे क्या होता है ना, रिविजन करने का अलग से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट. बट वही बात है कि टू डू दैट ऑल्सो यू नीड लिटिल रेगुलरिटी. चलो तेरी 10.7 हो गया, 10.7 हो गया. और फ्रिंज विड्थ भी इन्होंने निकाला है. एक क्वेश्चन और भी है, मैं भी लेता हूं. फ्रिंज विड्थ क्या है, 1.2 मिलीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 1.2 मिलीमीटर. अगर मैं ब्राइट पे जाता हूं तो क्या होगा ना, ये 10.7 है, तो 10.7 मतलब यहां से जो है तुम 9.6 का अगला हो गया 10.8, है ना. तो यानी ब्राइट आ गया 10.8 पे, यानी 10.7 ही है, 10.8 मतलब 0.1 मिलीमीटर पे तो ब्राइट है ना. 1.2 का ठीक है ना, 1.2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो लाइक फ्रिंज ये ब्राइट आ गया 10.7, तो 10.8 माइनस होगा, तो यानी 0.1 पे तो ब्राइट है. अभी किसी ने आंसर दिया 0.1, तो 0.1 तो नहीं होगा ना, फिर क्या होगा ना 0.1 और इसका हाफ फ्रिंज विड्थ का हाफ 0.6, तो यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 0.7 मिलीमीटर, ये आएगा आंसर, ठीक है ना. सत्यम इज आस्क्ड की नवंबर दिसंबर में तो स्कूल फिटजी कुछ नहीं होता है तो टाइम क्यों नहीं निकलता है. अब मैं जब समझाऊंगा तो तुम विश्वास जरूर करोगे, आई एम श्योर. लेकिन वो यानी इस चक्कर में डिस्कशन होने लगता है बहुत ज्यादा. देखो टाइम फ्रेम समझो, सितंबर एंड में खत्म हो रहा है, तो लेट्स से दिस इज सितंबर एंड, देखना अक्टूबर के ये पीरियड जो है ना फेस्टिवल पीरियड आता है, अक्टूबर और इवन नवंबर के शुरू शुरू में वो दिवाली दशहरा वगैरह आता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, कुछ भी कर लो थोड़ा बहुत तो देखो कुछ ही. यहाँ पे 15 दिन से 20 दिन तक तो होगा, अब जिसको बोलेंगे क्या बोलते, जैसे हाफ ईयरली का पेपर नहीं हुआ था तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिड टर्म पेपर कह लो जो भी है, तो मिड टर्म पेपर और ये कंपल्सरी होता है, ठीक है, हो गया. अब इसके बाद वो सब आ गया टाइम, तो अक्टूबर हो गया, फिर देखो नवंबर,
नवंबर एंड में या शायद दिसंबर के स्टार्टिंग में एक और कंपलसरी वो होगा, दैट इज द फाइनल एग्जाम। और इस साल तो फाइनल एग्जाम और इम्पोर्टेंट हो गया, उसके पीछे रीजन कई सारे हैं, क्योंकि कोविड के चक्कर में कहीं इधर उधर हो जाए, मान लो बाद में फाइनल एग्जाम्स के पैटर्न में मार्क्स दे दे, कुछ नहीं पता, आई मीन यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, आई मीन, तो देयरफॉर इसको सीरियसली लेना। तो ये 15-15 दिन यही निकल जाता, 15-15 दिन मतलब एक पेपर दोगे, फिर एक आध दिन गैप, फिर दूसरा तीसरा, तो सारा कंपलसरी है तो देना तो पड़ेगा, तो देयरफॉर एक दिन फिजिक्स होगा, फिर गैप देके केमिस्ट्री, फिर तो दैट टेक्स अराउंड 15 डेज, तो ये एक महीने निकल जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि एकदम बिना पढ़ के आने का मन नहीं करेगा। कुछ एनसीईआरटी खोलोगे, ये करोगे, और उसमें देखो चैप्टर्स, अगर फाइनल वाला देखता हूँ ये वाला, तो उसमें तो 15-15 चैप्टर्स होंगे एक एक सब्जेक्ट, तो एक एक दो दो दिन में रिविजन भी नहीं हो पाता ढंग से, तो हमें थोड़ा सा 2-4 दिन पहले से भी पढ़ना पड़ता है, एग्जाम टाइम हो गया, आना जाना, आई मीन लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, प्लस थोड़ा फेटिक फैक्टर, एनसीईआरटी पढ़ना करना पड़ेगा। क्या ये हो गया तुम्हारा नवंबर के बाद, जैसे ही दिसंबर में स्टार्ट होगा यू विल हैव मल्टीपल एक्टिविटीज। नंबर वन प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है ना, प्रैक्टिकल फाइल आ गया, फिर तुम्हारा जो है क्या बोलते हैं इसका प्रैक्टिस करने के लिए भी आना पड़ेगा एक दो बार, है ना, वो क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स के, तो वो भी 2-4 बार आने पड़ेंगे, फिर और भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, तो टेस्ट सीरीज का प्रेशर आ जाता है कि आज ये सिलेबस, कल वो सिलेबस, ये सिलेबस रेडी है नहीं है, तो देयरफॉर पोस्ट अक्टूबर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है शेड्यूल, या पोस्ट नवंबर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब शेड्यूल रहता है। मैं नहीं करूँ कि टाइम नहीं मिले, टाइम तो देखो 24 घंटे ही है, सब हमेशा ही रहेगा, और कैसे एडजस्ट करना है अपने ऊपर है, क्लासेस भी तब तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो अलग अलग एक्टिविटीज आ जाता है ना बीच में, ये बहुत डिस्टर्बिंग करता है, तो देयरफॉर डोंट थिंक दैट योर शेड्यूल विल बिकम बेटर, योर शेड्यूल विल एक्चुअली बिकम मोर क्योटिक। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये जो होता है ना कि भाई एक राउंड पहले करो फिर रिविजन करो, ये सब कहाँ हो पाता, नहीं हो पाता, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नेचुरली हो जाएगा। क्यों, अब मान लो स्कूल ने खत्म कर दिया सेप्टेम्बर मिड तक या 20th तक के आसपास, तो लाइक अगर मान लो कहीं और भी जाते हो तो इनडायरेक्टली अगर वहां अक्टूबर एंड में खत्म हो रहा है तो नेचुरली यहाँ पे जो चीजें पहले पहले हो रखा है वो वहीं पे ऑटोमेटिक रिविजन होता जाएगा, कंसोलिडेशन होता जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ही सीखोगे, है या नहीं, तो देयरफॉर इट ऑलवेज हेल्प्स। बट एनीवे आई थिंक आई एम एड्रेसिंग द मनन सेज की प्रैक्टिकल, कार्तिक सेज की प्रैक्टिकल होंगे या नहीं, देखो प्रैक्टिकल तो होगा, ठीक है ना, वो आप तो क्वेश्चन उसी टाइप का आने लगा, प्रैक्टिकल लिखने का है पहले बता दो, नहीं तो बाद में, देखो मैं एक ईमानदारी से बताऊं, प्रैक्टिकल का बहुत ज्यादा एफर्ट मत करो, प्रैक्टिकल दो तरीके से कर सकते हो, अगर खुद लिख रहे हो तब तो अलग बात, अदरवाइज मैंने सुना है फरीदाबाद में 300-400-500 रुपए में एक एक प्रैक्टिकल फाइल लिख देते, अब सो इट्स अप टू यू, बट डोंट आस्क मी कौन लिखते हैं, मुझे भी नहीं पता, वो कहीं सेक्टर 16-17 में या कोई कहीं पे है कोई जो कि लिख देते हैं, तो इफ यू वांट दैट ऑप्शन दैट यू कैन डू, बस उनको एक प्रैक्टिकल फाइल पुराना पकड़ा देना और वो लिख देंगे, उसको उतार देते हैं, डायग्राम वायग्राम सब बना देते हैं, प्लस चार्ट वर्ड सब, ग्राफ और सब बना देते, तो देयरफॉर अगर उससे करोगे तो इन दैट केस क्या ना, यू विल सेव लॉट ऑफ आवर्स ऑफ टाइम, प्लस वो एक हेडेक भी है, फिलअप करो ये करो, कहीं डेटा नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, मिसिंग कहीं कुछ मिसिंग, तो लॉट ऑफ हेडेक इज देयर, तो वो सबसे बचना चाहते हो, ये भी एक तरीका है, अदरवाइज मैं कुछ दिन बाद एक्सपेरिमेंट बता दूंगा, तो यू कैन डू दैट। अभी ये सत्यम इज सेइंग कि सेक्टर 16 में कोई स्टेशनरी शॉप्स है जो कि वो सब करते हैं, तो अगर मान लो ये वाला रास्ता अपनाते हो तो आई डोंट माइंड, ठीक है ना, तो वो देख लेना। प्रैक्टिकल फाइल का काम अभी बता दो, धीरे धीरे बना लेंगे दिसंबर तक, दिस व्हाट इज मनन सिंह, बनाना चाहते हो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, तो इफ समबडी हैज अ प्रैक्टिकल फाइल तो उसका पिक मुझे भेज देना फ्रंट का, तो मैं उसका नंबरिंग लिख दूंगा और वही पिक मैं दोबारा रिटर्न करके उसमें टिक लगा दूंगा, तो उससे क्या होगा ना, तुम लोगों को भी आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कौन कौन से एक्सपीरियंस लिखते हैं, तो वो कर सकते हो अभी से तैयारी, आई डोंट माइंड। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि एक्टिविटीज बहुत सारे आने वाले जो कि तुम अभी काउंट नहीं कर रहे हो, है नहीं, प्लस 11th का रिविजन हो गया, फिर 12th भी तो भूलने लगोगे ना, फिर तो 12th का रिविजन का भी अर्जेंट नहीं आ जाए, लॉट ऑफ थिंग्स। एनीवे तो इसी में चला गया आज टाइम, ठीक है ना। ये आ गया तुम्हारा जो है 0.7 YDSC या नी सॉरी क्या बोलते हैं सेम एज सिमिलर टू YDSC वाले क्वेश्चंस के डिस्कशन, आई थिंक हमने काफी डिस्कस कर लिया है, विद दिस मोर लेस यू हैव सफिशिएंट ग्राउंडिंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। नाउ लेट्स गो बैक टू पोलराइजेशन, ठीक है ना, इसे प्रैक्टिकल होंगे या नहीं, प्रैक्टिकल तो होगा जरूर,
ठीक है, अब वो कैसे कराएंगे नहीं करेंगे, लॉकडाउन खुलने के बाद होगा क्या होगा, विल सी। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ पोलराइजेशन, सो वी आर गोइंग बैक टू पोलराइजेशन, लेकिन इसका पता नहीं आज टाइम होगा या नहीं। बिफोर आई गो टू पोलराइजेशन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन अ ट्रांसपेरेंट मीडिया। अगर मान लो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया में, जैसे सपोज ग्लास है, जैसे अगर ग्लास है, ग्लास ट्रांसमिट करता है, बट हैव यू नोटेड वन थिंग इंटरेस्टिंग, अब इसका जवाब देने की कोशिश करो, हैव यू नोटेड वन थिंग इंटरेस्टिंग इज दैट कोई भी मेटल ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हैव यू वंडर्ड व्हाई डज इट हैपन, या व्हाई डज इट नॉट हैपन रादर, व्हिचएवर वे यू लुक एट द क्वेश्चन, कोई भी मेटल कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसकी क्या वजह हो सकती है? एनीबडी वुड लाइक टू ट्राई? कोई भी मेटल ट्रांसपेरेंट कभी नहीं होता। वुड एनीबडी लाइक टू ट्राई द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? इन द मीनवाइल जो है मैं फटाफट अटेंडेंस ले लेता हूं। वैसे कई बार एक दो बच्चों ने बड़ा इंटरेस्टिंग बहाना दिया है मैं नाम नहीं लूंगा, बट जब स्टार्टिंग में मुझे बोला गया था कि अटेंडेंस के लिए पता कर लो ना, तो तीन जने तो मुझे ये बहाना दिया है कि सर आपका रिकॉर्डिंग बाद में देख लेते हैं। आई डोंट नो वेदर रिकॉर्डिंग इज टर्निंग अ टू ए मून और ए बीन, बट थ्री ऑफ देम हैव गिवन दिस एक्सक्यूज, सो आई डोंट नो वेदर दैट्स राइट और रॉन्ग। ठीक है, वैसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा इज दैट ये अटेंडेंस ये जो धीरे धीरे ड्रॉप कर रहा है, तो दैट्स लाइक यू नो ऑल क्लासेस या सिर्फ फिजिक्स में हो रहा है, या यू नो क्या बोलते हैं बाद में वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ये बहाना चल रहा है? ओके, ऑल क्लासेस, चलो इतना ही होता है। चलो एक्चुअली सी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ आज तो 2021 हो गया ना, मतलब अगले 20 तक हम लोग का सिलेबस खत्म हो जाए, दैट्स अ बिग एडवांटेज। अब ये कई बार ना अच्छा रियल क्लास में होता है कि जो फिजिकल क्लास में होता है हम बता देते हैं, तो वहां पे तो कभी ना कभी मेरा मुलाकात हो जाता है, हम बता देते हैं, अब ये सब में बताना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो दिव्यांग सेज ओके, इसका आंसर एक मनन ने दिया है, ओके हा, नहीं अटेंडेंस ड्रॉप वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं है वो जो मैंने ऑप्टिक्स वाला क्वेश्चन पूछा था। मनन यू आर सेइंग कि जनरली मेटल्स के डेंसिटी ज्यादा होता है तो वो हैवी होते हैं, ना दैट्स नॉट द रीजन, डेंसिटी से क्या करना है ना, तो और थोड़ा सोचो फटाफट, आई थिंक दैट्स व्हाट वी वुड हैव टाइम फॉर, और तो मुझे लगता नहीं कुछ टाइम और मिलेगा। ठीक है,
चलो फिर तो इतना पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दिया. ओके ओ डीपोलराइजेशन, अरे बाप ये सब क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो भाई. शौर्य से इसकी मोस्ट ऑफ द, ये छोटा था इसलिए शौर्य का सुना रहा हूँ, बाकी सबके बड़े बड़े हैं तो इसलिए आपने सुनाने का टाइम नहीं है. मैं पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है ना. इन द मीनवाइल आल्सो आई वुड लाइक टू डिस्कस अगेन. देखो पहली बात तो लाइट ट्रांसमिट जो होता है, आई एम रीडिंग आल्सो इन द मीनवाइल बट आई एम गैदरिंग इन द माइंड, क्योंकि अभी इतना बड़े बड़े पढ़ने का टाइम नहीं, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस आए. ओके मनन से इसके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एक्साइटेशन ज्यादा होता है. नो नो दैट्स नॉट द एक्सप्लेनेशन, लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. देखो होता क्या है कि हाउ डज लाइट ट्रांसमिट इन अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. लाइट जब आपके ग्लास के सरफेस को हिट करता तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस अंडरस्टैंड करो इसको, उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके प्रोटॉन्स, हर एटम के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे काम करता है, मींस इट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस. लेकिन प्रोटॉन है बहुत भारी और वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है तो कुछ नहीं कर पाता. इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के हैं और इलेक्ट्रॉन हल्के होने से क्या होता है ना, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे और ऐसे है तो देखना इलेक्ट्रॉन भी ठीक उसी पैटर्न में बाउंस करने लगेंगे, मतलब ऑसिलेट करने लगेंगे. अब जरा सोचो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाउंस करेंगे इधर आएंगे तो ऑब्वियसली इसको भी धक्का मारेंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन जिस फ्रीक्वेंसी में, तो लाइट के फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करेंगे तो उसके बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी उसी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करा देंगे, एंड सो ऑन. यानी एक इलेक्ट्रॉन से दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरे से तीसरा, एंड सो ऑन. तो क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को अगर फॉलो करोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और वो एक से दूसरे, तीसरा, चौथा, पांचवा. तो देयरफॉर सरप्राइजिंगली इट इज प्रीटी सिमिलर टू हाउ एक्चुअली साउंड ट्रेवल्स. साउंड में भी ये होता है, अगर एक मेम्ब्रेन है जो कि वाइब्रेट कर रहा है तो एक पार्टिकल पहले ऐसे वाइब्रेट करता है तो वो उसके बगल वाले को वाइब्रेट कराता है. यानी सोर्स वाइब्रेट्स ओनली वन पार्टिकल विच इज जस्ट नेक्स्ट टू इट एंड ऑल द पार्टिकल्स विच आर नेक्स्ट टू इट. उसके बाद के जो लेयर ऑफ पार्टिकल्स है उसके साथ सोर्स का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो वाइब्रेट उसी तरीके से करता है. क्यों? तो जो पहला सेट ऑफ पार्टिकल्स है जो कि एडजेसेंट टू द सोर्स है, यानी वाइब्रेशन ड्रम मेम्ब्रेन जो भी कह लो मतलब, तो उससे सेकंड लेयर, सेकंड से थर्ड लेयर, दैट्स हाउ ऑसिलेशंस ट्रांसमिट. यहां पे भी लगभग सिमिलर है, ठीक है. ऐसे करते करते एक इलेक्ट्रॉन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से ट्रांसमिट होता है. फिर लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, ट्रांसमिट करने के लिए कुछ नहीं मिलता है तो वो एनर्जी क्या होता है, दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर देता है एंड देन इट इज ट्रांसमिटेड. तो देयरफॉर यहां से ऐसे वेव आता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसी पैटर्न में बाउंस करता है, मतलब ऐसे से करके जो भी है व्हाटएवर, तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एंड देन अगेन द वेव इज रेप्लिकेटेड. दिस व्हाट हैपेंस इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. लेकिन अगर मेटल देखोगे तो मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये हो गया ग्लास. बट अगर मेटल में देखता हूं, ठीक है ना, उसमें क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अब प्रॉब्लम क्या है ना फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ, कि फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई पिवट नहीं है. देखो ये जो एटम्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा है, तो इन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली एसेंशियली बाउंड, बस ये कि लाइट के वजह से इन्फ्लुएंस हो गया तो ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से और बगल वाले को ऑसिलेट करा रहा है एंड सो ऑन. बट मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सो therefore they don't have any pivot around which they can oscillate. तो इसलिए क्या होता है, डेड एंड हो जाता है, वहां पे ऑसिलेशन दोबारा स्टार्ट नहीं, ठीक है ना. फिर कुछ और फिनोमेना हो जाता है कि लाइक वहां पे आता है तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इट रीट्रांसमिट एंड दैट्स व्हाई यू विल सी दैट द लाइट इज रिफ्लेक्टेड. यानी इसलिए देखा होगा कि मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग होता है. व्हाई? बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन डू नॉट ट्रांसमिट द लाइट इनसाइड, वो उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करा देता है एंड दैट्स हाउ इट इज अ शाइनिंग थिंग. तो इसलिए देखना ज्यादातर मेटल्स, ज्यादातर क्यों मतलब मेटल्स आर एसेंशियली शाइनिंग इन नेचर. अब ये तो हो गया, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना. और भी कुछ है, रोहन ऑल्सो सेज कि फ्री मेटल्स के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना. देखो इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, एब्जॉर्ब करते हैं तो उससे थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाता है. तो अगर थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाता है मान लो, तो इन दैट केस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ सकता है. तो देखो देयर इज वन पार्ट विच इज अ हीट हीट पार्ट है, तो वो एक अलग चीज होगी. बट लाइट के फॉर्म में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो जो है ट्रांसमिट होके मेटल के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का कोई पिवट नहीं है अबाउट विच इट कैन ऑसिलेट एंड देन ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ट्रांसमिट टू द फर्दर नेक्स्ट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन. ये प्रोसेस मेटल्स के अंदर नहीं हो सकता. मेटल्स के अंदर क्या क्या होता है ना, कई बार तो ये होता है कि लाइट आया और इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा एनर्जी मिल गया कि इलेक्ट्रॉन ही चला गया, ये भी होता है. या लाइट आया, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन और तेज हो गया,
तो वाइब्रेशन तेज होने के कारण क्या होगा ना, बॉडी हीटेड अप हो जाएगा, यानी बॉडी हीट अप हो, ये भी हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है कि देखो ऐसे करके इलेक्ट्रॉन ने लाइट का एनर्जी लिया, ऑसिलेट किया और फिर री रेडिएट कर दिया, यानी फिर से लाइट वापस चला गया, तो यानी बेसिकली क्या हो गया ना, इट दैट्स व्हाई इट प्रोड्यूसेस दैट शाइनिंग इफेक्ट। तो देयरफॉर मेटल के अंदर वो जो ट्रांसमिट कर देने वाला कैपेबिलिटी वो नहीं, जो भी होता है वो सरफेस के आसपास ही होके डिसाइड हो जाता है कि लाइट का क्या होना है। तरह तरह केस हो सकता है, हीटिंग मैंने बोला है ना, एमिशन हो सकता है और ट्रांसमिशन हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो उसी रिलेटेड ये पोलराइजेशन है, अनफॉर्चुनेटली वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम अ लिटिल बिट, तो इसलिए आज रहने दो, आज हम नए टॉपिक पे नहीं जाते। पोलराइजेशन में भी कुछ ऐसे ही होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइट डालते हो तो अगर अनपोलराइज लाइट भी आता है ना, तो अगर अनपोलराइज लाइट भी आता है तो देखा जाता है कि अगर एक पर्टिकुलर एंगल पे करते हो तो एक तरफ पार्शियली और एक तरफ फुल्ली पोलराइज्ड हो जाता है लाइट। अब तो बोले पोलराइज कैसे हो जाता है फिर, है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस मे बी व्हाट इन मंडेज क्लास। तो बिफोर आई वाइंड अप आई विल जस्ट क्विकली, खुशी हैज आस्क्ड की फ्यू इयर्स बैक देयर वाज सम न्यूज़ अबाउट ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम। वेल यू नो मेटल्स आर एसेंशियली ओपेक, आई मीन I don't know whether under certain special circumstances some phenomena was discovered. I mean, so maybe what you can do is that if you have news on this, so ho sakta hai ki isko thoda sa research karke maybe you can put it in the group. I mean, वैसे आजकल group में activity वैसे ही कम हो गया। ये तो कल दिव्यम ने थोड़ा सा cycling करते हुए देखा कि हाँ वो जो मैंने बोला था ना thin film interference, उसका एक example मिल गया। So, but there are so many things that you can include in the group. I mean, you are saying something? अच्छा चलो anyway. So before we end, just a reminder that weekend is near. So I hope you had made those targets last week. Some of you, not many of you, unfortunately. So those who had made the targets last week are able to achieve, even if not 100%, but 70, 80, 60, 65, whatever percentage of it. And that spurs you to make it even better. I hope this weekend also the same thing will happen. And you fill up your targets and see how much you've achieved or not achieved. Never feel very bad when you are not able to fulfill 100% of the targets. Ye hamesha hi hota hai. Don't worry on that. Theek hai? Chalo, that's it for today. We will continue in the next class. That's on Monday. So Monday isko khatam karte hain. Aaj khatam ho jata, but beech mein thoda sa hum log distract kar gaye the. So maybe that's why we couldn't have it. Chalo, aaj ke liye itna hi. दिव्य मैन ऑल्सो सेंड ए लॉन्ग नोट, आई मीन एक काम कर सकते हो, कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन भेजे थे, इफ पॉसिबल कैन यू सेंड इट इन द व्हाट्सएप, तो मे बी आई व्हेन आई गेट टाइम आई विल ट्राई टू हैव इट। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। ओके थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके बेटे, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।